अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज दिन भर मेरी जो भी रूटीन रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मुझे। देखिए गाइस, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। मैंने बनाया है पराठे और ये है हमारी कल की आलू की सब्ज़ी है। कल आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने ब्रेकफास्ट में, वो है। और ये पराठे चाय। तो गाइस, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और दिन भर की मेरी जो भी रूटीन रहेगी मैं डेली आपके साथ शेयर करूँगी। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस, ये हमारा मनी प्लांट है और ये पूरा ख़त्म हो गया था बिल्कुल, लेकिन मैं डेली इसमें चाय की पत्ती को वॉश करके फिर डालती हूँ। उससे देखिए कितना अच्छा हो गया है। जब हम चाय बनाते हैं उसके बाद जो पत्ती बचती है उसे वॉश कर लें अच्छी तरह, फिर इसमें डालती हूँ। उससे देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी और शाइनिंग भी आ गई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपके घर मनी प्लांट है तो आप भी चाय की पत्ती को, जो चाय बनती है उसके बाद जो पत्ती बचती है उसे वॉश करके डाला कीजिए, तो मनी प्लांट की देखिए शाइनिंग भी आती है, कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस, मेरे साथ साथ सारे काम चलते हैं। इस वक्त बर्तन भी वॉश हो रहे हैं और मैंने ये मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं। तो ये वॉश हो जाए तो इन्हें छत पर डाल के आते हैं। धूप भी बहुत अच्छी निकली, जल्दी इन्हें सूख जाएंगे। गाइस, एक अकेले इंसान के लिए सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो है कि डेली करना भी पड़ता है, काम है अपना। और साथ में वीडियो भी आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। गाइस देखिए, ये अर्श का ग्लास है, ये अर्श इसी में ही पानी पीता है, किसी और ग्लास में नहीं पीता है। मैं जल्दी से सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आज आलू साग बनाऊँगी जाने के, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी। साग आलू की बहुत टेस्टी बनता है और टाइम साग अच्छा भी बहुत आ रहा है। सारे बर्तन वॉश होने वाले हैं मेरे, फिर मैं किचन को क्लीन करूँगी और अभी पूरा घर भी क्लीन करना है। चलिए, जो भी रूटीन रहेगी आज की डेली की वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग बस मुझे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस, हमारे दूध वाले भी आ गए हैं। और दूध वालों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, बढ़िया हो? दूध वाले कह रहे हैं दूध ही बांट रहे हैं। देखिए गाइस, दिखाओ अर्श, गाइस देखिए, देखिए अर्श का ही साथ से ही आज टूट गया। बहुत ही दिन हुआ था और आज बहुत परेशान था कि मम्मी ये टूटी नहीं रहा, आज देखिए आज का दाँत टूट गया। ये अर्श की फ्रेंड है और ये मेरी जिठानी का पोता भी है और अर्श का फ्रेंड भी है। अब ये बहुत टाइम के बाद आए हैं, आज इनको अर्श की याद आई। आज कैसे अर्श की याद आई तुम्हें? अर्श की याद आ गई, मिलने का दिल जा रहा था अर्श के बाद। अच्छा, तो चलो तुम ज़रा रिक्वेस्ट करो सबसे, यूट्यूब फैमिली से, कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पर सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, शेयर करें। ये भी बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरे पास आता रहता था अर्श के साथ खेलने के लिए। अब पता नहीं बिजी हो गया अपनी पढ़ाई में, यह बच्चों की पढ़ाई भी है ना जी।
चलो अब आते रहना, बहुत टाइम के बाद आए हो। देखिए गाइस ऊपर कितनी तेज़ धूप हो रही है, अब सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। मैं छत पे आई थी कपड़े डालने, सांस फूल गया मेरा। एक के बाद एक काम करते करते ना सांस फूलने लगता है। अब मैं जल्दी से ये कपड़े डालूं, फिर मिलती हूँ आपसे। सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने। अभी देखिए गाइस छत भी इतनी गंदी हो रही है, इसकी भी मुझे क्लीनिंग करनी है रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ानों में साफ़ घर साफ छत अच्छी लगती है। और देखिए मैंने अभी ऊपर आ रही थी तो मैंने समर सेविल भी चला दिया था। देखिए पानी टंकी भी फुल हो गई है। मैं काम के साथ साथ ना चला देती हूँ, एक बार सुबह में चलाती हूँ समर सेविल, एक बार फिर दोपहर में जब काम मेरा आधे से ज़्यादा खत्म हो जाता है। देखिए अर्श भैया खड़े हैं। अर्श चलो बेटा, सर आने वाले हैं आपके। अब गाइस हम जाते हैं नीचे और आज मैं बनाऊंगी साग आलू। मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप ज़रूर देखना। चले बेटे नीचे चलो, धूप बहुत तेज़ हो रही। आज आज सुनो, आज तुमने YouTube फैमिली को हेलो नहीं बोला। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं नीचे। साग को दो तीन बार वॉश करने के बाद मैंने देखिए इसे कट कर लिया है और इसमें हल्दी भी डाली थी, इसलिए मैंने साथ में ही हल्दी डाल दी साग के अभी पर। यह आलू भी कट कर लिए हैं और देखिए मैं साग आलू में लहसुन ज़ीरा हरी मिर्च और थोड़ा टमाटर का यूज़ भी करती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो मिर्चें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑयल डालने के बाद इसमें लहसुन डाल दिया है। आप चाहें तो सरसों के तेल में बना सकते हैं, क्योंकि साग का टेस्ट सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं तो अभी रिफाइंड में बना रही हूँ। अब ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी और उसके बाद हम इसमें साग डाल देंगे। साग डालने के बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्च और टमाटर और नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप कम ही डालिए। देखिए गाइस अब मैंने इसके अंदर मेथी पालक का साग है, मेथी पालक दोनों है, मेथी पालक का साग इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुकर में। लहसुन डालने के बाद ज़ीरा डाला था, फिर मेथी पालक का साग डाल दिया और इसी में मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है। अब मैंने जो बारीक टमाटर काटे थे वो और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें अभी आलू नहीं डालूँगी, पहले मैं इसमें और पानी भी नहीं डालेगा इसमें, साग में खुद का में ही पानी बहुत निकलता है तो इसमें पानी नहीं डालूँगी और आलू भी अभी नहीं डालूँगी। अभी मैं इसमें तीन कुकर का ढकना बंद करने के बाद तीन सीटी लगाऊँगी। तीन सीटी खोलने के बाद जब हो जाएंगी तो कुकर खोलने के बाद फिर मैं इसे भूनूंगी साग को बहुत अच्छी तरह, और भूनते मैं आलू डालूंगी और बहुत, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए अभी मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। देखिए गाइस मैंने कुकर खोल लिया है और हमारा मेथी पालक का साग गल चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी, आलू को बाद में ही डालती हूँ। इसमें आलू ऐड कर दिए, देखिए इसको ना हम जब तक इसे भूनेंगे आलू डालने के बाद तब तक इसकी ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसे कुकर का ढकना लगा के और इसे एक सीटी आने तक बस बना लेंगे, फिर हम गैस को कर देंगे बंद और फिर हमारा आलू साग रेडी। देखिए यह है हमारे आलू साग का फाइनल लुक, बहुत ही यमी बना था ये, और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। We'll be right back.
खत्म होने लगी है। मस्जिद के अजान में भी अभी ज़्यादा घंटा बचा है। देखिए गाइस, अर्श ने ये जूस बनाया हमारे लिए, मम्मी के, डैडी के लिए और अपने लिए। 3 ग्लास जूस हम तीनों के लिए बनाया अर्श ने। 8 बज गए हैं गाइस, देखिए 8 बज रहे हैं और मैं अब अर्श को पढ़ाने जा रही हूँ। कल अर्श का टेस्ट है, अर्श को पढ़ाती हूँ, उसके बाद अर्श खाना खा के अपना सो जाएगा। चलिए फिर अर्श को पढ़ाते हैं। और गाइस, आज की व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आप मेरे व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए आप व्लॉग देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।